ओम श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का ज्योतिष की जानकारी के लिए। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सभी जीवन में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, उन्नति करें, किसी को भी दुख तकलीफ और कष्ट न हो, इसी भावना के साथ आज हम ज्योतिष में विचार करेंगे केतु दशम भाव में। जब जन्मपत्री में केतु दशम भाव में होता है तो जातक के जीवन के ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है, इसी विषय के ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु पहले ध्यान दें, कोई भी उपाय अपनी तरफ से न करें, किसी योग्य ज्योतिषी से सलाह लेकर ही उपाय करें, अथवा आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। और कभी कभी ग्रह जो है अपना भाव बदल लेता है। अगर आपको लगे कि फल आपसे मैच नहीं हो रहा तो एक भाव आगे के केतु का फल देखें या एक भाव पीछे के केतु का फल देखें। आइए विचार करते हैं दशम भाव में केतु का कैसा प्रभाव रहता है। दशम भाव शनि का है। यदि कुंडली में शनि बहुत अच्छा है और केतु किसी अच्छी राशि में बैठा है तो इसके बहुत शुभ फल जातक को मिलते हैं। ऐसी स्थिति में जातक कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी हो सकता है, क्रिकेट आदि खेल में अपना नाम रोशन कर सकता है। अन्य खेलों में भी ऐसे जातक नाम रोशन करते हैं, खिलाड़ी बनकर प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं। अक्सर देखा गया है कि खिलाड़ियों के दशम भाव में केतु होता है। केतु के प्रभाव से जातक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनता है। यदि केतु दशम भाव में मंदा हो तो ऐसी स्थिति में जातक को भाग्यहीनता का सामना करना पड़ता है। भाग्य में बहुत से विघ्न आते हैं, जल्दी जल्दी जातक का भाग्य जो है वो उदय नहीं होता, बहुत से कष्ट जातक को भोगने पड़ते हैं। और अक्सर देखा गया है कि मंदा केतु दशम भाव में होने पर पिता के सुख में कमी हो जाती है, जातक को पिता का साथ बहुत देर तक नहीं मिलता, दूरी हो जाती है, दूर रहना शुरू हो सकते हैं दोनों, या पिता के ऊपर कष्ट आ सकता है, या जातक पिता से दूर रह सकता है। दशम भाव में केतु में जातक को वाहन से गिरने की संभावना भी रहती है। यदि केतु मंदा हो तो वाहन से घिरकर जातक की जंघा आदि में कोई चोट लग सकती है, वहां कोई रोग की संभावना भी रहती है। यदि केतु दशम भाव में वृक राशि में हो, मेख राशि में हो, कन्या राशि में हो या वृश्चिक राशि में हो तो इसके बहुत अच्छे फल देखने को मिलते हैं। इन राशियों में केतु अच्छा फल देता है। दशम भाव में केतु शत्रु नाश करता है और ऐसे जातक बहुत मिलनसार होते हैं, दूसरों से बहुत प्रेम से मिलते हैं और जल्दी ही मित्र भी बना लेते हैं। ऐसे जातक शिल्पज्ञ हो सकते हैं, शिल्प कला में निपुण होते हैं और मंदे केतु के प्रभाव में गुदा रोग की भी संभावना जातक को रह सकती है। यदि दशम भाव में केतु कन्या राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जंघा स्थान पर चोट की संभावना रहती है या कोई यहाँ पे रोग भी हो सकता है। दशम भाव में केतु शुभ अवस्था में होने पर जातक सुखी होता है, धनी होता है। और दशम भाव का केतु पैरों का भी रोग दे सकता है यदि मंदे प्रभाव में केतु दशम भाव में हो। मीन राशि में, धनु राशि में यदि केतु दशम भाव में हो ऐसी स्थिति में जातक बहुत वैभव संपन्न होता है, बहुत धनी होता है और समाज में विशेष प्रसिद्धि प्राप्त करता है। मिथुन राशि में यदि केतु दशम भाव में हो तो ऐसे जातक शुरू में तो बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, वैभव संपन्न होते हैं, किंतु समय के साथ उनका वैभव जो है वो चला जाता है, उन्हें हानि का सामना करना पड़ता है।
दशम भाव का केतु खिलाड़ियों के लिए बहुत अच्छा रहता है। ऐसे जातकों को खेल में लाभ होता है, प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। यदि हस्तरेखा का विचार करें तो अब केतु का ई का निशान या त्रिशूल का निशान शनि की उंगली के नीचे होगा, शनि पर्वत के ऊपर। मध्यमा उंगली के नीचे केतु का निशान हाथ में हो सकता है। पंचम और दस का यदि मंदा संबंध केतु के साथ हो जाए तो ऐसी स्थिति में संतान सुख मंदा होता है, संतान सुख में कमी हो सकती है। तीन की दृष्टि दशम भाव के लिए शुभ नहीं होती, क्योंकि दशम भाव से तृतीय भाव जो है वो षडष्टक योग बनाता है। ऐसी स्थिति में तीसरे भाव से हम भाइयों का विचार करते हैं तो भाइयों के साथ जातक का मनमुटाव रह सकता है, भाई जातक को हानि पहुंचा सकते हैं। यदि ऐसा जातक अपने भाइयों को हर अपराध के लिए क्षमा करता रहे तो जातक बहुत उन्नति करता है, केतु उसको बहुत लाभ देता है। दशम भाव शनि का स्थान है, अब शनि के स्थान में केतु विराजमान है तो ऐसी स्थिति में केतु यहाँ शनि की अवस्था के अनुसार शुभ फल देगा या मंदा फल देगा। यदि कुंडली में शनि मंदा है तो केतु भी मंदा फल दे सकता है, किंतु इस मंदे फल का असर सिर्फ जातक की संतान के ऊपर होगा, धन दौलत के ऊपर कभी मंदा असर नहीं होगा। यदि शनि कुंडली में बहुत अच्छा है, उच्च राशि में है, उच्च के स्थान पर है, बली है, तो ऐसी स्थिति में शनि के उत्तम होने पर जातक मिट्टी से भी सोना प्राप्त करेगा और गुरु जो है बृहस्पति भी जातक को उत्तम फल देगा। 24 आयु के 24वें वर्ष तक जातक को संतान सुख पूरी तरह से प्राप्त होता है, इसलिए यदि ऐसे जातक 24 से पहले 21 वर्ष की आयु के आसपास विवाह करते हैं तो संतान का सुख उत्तम प्राप्त होता है। यदि ऐसे जातक अपने चरित्र का ध्यान नहीं रखते, चरित्रहीन हो जाएं, तो उनको बहुत हानि का सामना करना पड़ता है और इससे भाग्य जो है वो भी बहुत कमजोर हो सकता है। कुंडली में केतु मंदा हो और शनि भी मंदा हो तो ऐसी स्थिति में आयु के 24वें वर्ष से लेकर 48 वर्ष तक का समय बहुत मंदा रहेगा, बहुत से कष्टों का सामना जातक को इस समय में करना पड़ सकता है। शनि मंदा होने से जातक की संतान के ऊपर ज्यादा मंदा असर हो सकता है, किंतु धन के ऊपर मंदा असर नहीं होता। संतान के ऊपर मंदे असर को रोकने के लिए जातक को चाहिए कि चांदी के बर्तन में शहद भरकर उसे जंगल में दबाना शुभ रहता है, इससे संतान के ऊपर मंदा असर जो है वो दूर होगा। ऐसे जातकों को 48 वर्ष की आयु के पश्चात कुत्ता अवश्य पालना चाहिए जिससे केतु शुभ फल देता है, किंतु चाल चलन के ऊपर जातक को विशेष ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो संतान सुख में कमी होती है और केतु के अष्टम भाव का उपाय ऐसी स्थिति में जातक को करना चाहिए। यदि दशम भाव में केतु अकेला हो और मंदा हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में जातक को मंगल का उपाय करने से लाभ होगा, मंगल के उपाय से मदद मिलेगी। यदि कुंडली में मंगल दशम भाव में हो, मंगल और केतु की युति हो, तो दोनों का फल जो है वो मंदा हो जाएगा जिससे जातक को कष्टों का सामना करना पड़ेगा और ऐसी स्थिति में जातक चरित्रहीन भी हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी स्थिति में जातक को चंद्रमा का उपाय करने से लाभ होता है, सुख की प्राप्ति होती है। शनि कुंडली में मंदा हो या किसी मंदे घर में बैठा हो, ऐसी स्थिति में जातक को क्या उपाय करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगा।
कि मकान की जमीन के नीचे दूध और शहद दबाने से शुभ परिणाम जातक को मिलते हैं यदि कुंडली में शनि मंदा हो रहा हो। चांदी के कुजे में शहद भरकर घर में रखना शुभ रहता है और ऐसे जातकों को चाहिए कि 48 वर्ष की आयु से पहले मकान जो है वो नहीं बनाना चाहिए। यदि कुंडली में केतु शुभ अवस्था में है और शनि भी शुभ अवस्था में है तो ऐसी स्थिति में जातक प्रसिद्ध खिलाड़ी बनता है। खेल के क्षेत्र में जातक बहुत नाम कमाता है। केतु के दशम भाव में होने पर उपाय के लिए जातक को चाहिए कि काला सफेद कंबल, दो रंग का कंबल मंदिर में दान करना चाहिए। ऐसे जातकों के लिए व्यापार अक्सर शुभ नहीं होता, व्यापार में हानि का सामना करना पड़ता है। यदि केतु दशम भाव में चर राशि में हो तो ऐसी स्थिति में जातक जो है यात्राएं ही करता रहता है और बहुत सी यात्राएं जातक को करनी पड़ती है। कभी कहीं कभी कहीं बिजनेस के क्षेत्र में या अपने काम के लिए जातक को बहुत सी यात्राएं करनी पड़ती हैं और ये यात्राएं जातक के लिए भाग्योदय कारक होती हैं। इनके द्वारा ही जातक को धन बनता है और प्रसिद्धि प्राप्त होती है। यदि देखा जाए तो खिलाड़ियों के जीवन में भी यात्राएं बहुत रहती हैं। तो दशम भाव का केतु जो है जातक को प्रसिद्ध खिलाड़ी बनाता है, किंतु व्यवसाय जो है वो मंदा रहता है। कोई व्यापार करते हैं तो उसमें हानि का सामना करना पड़ता है। केतु दशम भाव में मंदा हो तो ऐसी स्थिति में बताए गए उपाय करने चाहिए। सबसे पहले शनि को ठीक करने के लिए उपाय करें और इसके बाद मंगल का उपाय भी किया जा सकता है और परिस्थितियों के अनुसार चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। यदि केतु मंदा फल दे रहा है तो अक्सर देखा गया है कि जातक को पिता का सुख प्राप्त नहीं होता, पिता के ऊपर भारी कष्ट की संभावना रहती है। जातक को पिता से दूर रहना पड़ सकता है या पिता के सुख में कमी जातक को हो सकती है। केतु के मंदे प्रभाव को दूर करने के लिए गणपति भगवान की, श्री गणेश भगवान की उपासना करना बहुत अच्छा रहता है। गणपति भगवान के लिए ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए और गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। इससे भी केतु का मंदा फल जो है वो दूर होता है और केतु के बीज मंत्रों का जप करके हवन करने से भी केतु जो है वो शुभ फल देता है। और किसी भी प्रकार की ज्योतिष संबंधी जानकारी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया गया है। गणपति भगवान आप सभी का कल्याण करें। केतु महाराज की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।